नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, वो है पंच महाव्रत हुआ करते हैं वर्ष में, उनमें एक है महाशिवरात्रि का व्रत। महाशिवरात्रि का व्रत इस साल में सन 2021 में 11 मार्च को आ रहा है। इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, महाशिवरात्रि के इस व्रत की महत्ता, विशेष करके हर वर्ष ये महत्वपूर्ण होता है, इस वर्ष महत्ता क्या है। 11 मार्च को ये हो रहा है व्रत। इस दिन प्रातः 9:21 पे चंद्र जो है कुंभ राशि में जा रहे हैं, उससे पहले मकर राशि में है। मकर राशि में रह के चंद्र जो है ये शश योग और मतलब दो पंच महापुरुष योग, जिसमें एक गज केसरी योग और शश योग दोनों योगों का निर्माण कर रहे हैं। ये एक बहुत ही रेयर या बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति है, जिसमें बृहस्पति, शनि और चंद्र तीनों इकट्ठे एक राशि में हो और महाशिवरात्रि का व्रत पड़ रहा हो। 9:21 पे चंद्र कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मंगल के नक्षत्र में चल रहे होंगे। मंगल राहु की अत्यधिक महत्वपूर्ण युति बनने जा रही है अगले कुछ समय में। तो मंगल के देव हनुमान और शनि दोनों ही भगवान शंकर के 11 गणों में से एक हैं। इनका एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति में होना, चंद्र का नक्षत्र या ग्रह स्थितियों के अनुरूप, इस वर्ष की जो महाशिवरात्रि है इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये है कि महाशिवरात्रि में गौरी की पूजा भी साथ साथ हुआ करती है। गौरी से उड़े मुख्य ग्रह शुक्र अष्ट चल रहे हैं, तो भगवान शंकर की प्रसन्नता हेतु, उनकी आशीर्वाद हेतु गौरी का पूजन अत्यधिक आवश्यक है। और गौरी का ग्रह शुक्र जो है थोड़ा अष्ट चल रहा है, इसे क्रोधित है, तो इस वर्ष वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह प्राप्ति के लिए, अच्छी संतान हेतु, अच्छे सुख हेतु, स्वास्थ्य हेतु, बीमारियां जो कि जीवन के लिए थ्रेटनिंग हो, डेंजरस हो, उनके सुधार के लिए, उनसे छुटकारे के लिए इस वर्ष का महामृत्युंजय जो व्रत है अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अतिरिक्त जो व्रत है, इस दिन आप महामृत्युंजय व्रत अपने परिवार के लिए, अपने लिए आरंभ कर सकते हैं। पंचाक्षर शिव मंत्र जो है उसका, ओम नमः शिवाय, उसका जाप कर सकते हैं। इस दिन आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और चंद्र शनि की युति होने से कोई भी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। इस दिन कोई भी रुद्राक्ष, एक से लेकर 14 मुखी जो उपलब्ध है आजकल, कोई भी धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन जो है आप चंद्र और शनि की युति होने से या चंद्र के कुंभ राशि में होने से साढ़ सती के उपाय जो जिनको चल रही है, जिनकी मकर राशि, कुंभ हो, धनु राशि हो, धनु मकर और कुंभ जिनकी राशियां हो, वो इस दिन महामृत्युंजय अतिरिक्त शनि के मंत्रों का जाप आरम्भ कर सकते हैं। वो शनि भगवान शंकर के 11 गणों में से एक है। दुर्गा सप्तशती इस दिन कर सकते हैं मंगल, क्योंकि चंद्र जो है 9:21 पर मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो दुर्गा सप्तशती, महामृत्युंजय या शनि मंत्रों के जाप के लिए अत्यधिक शुभ है महाशिवरात्रि का दिन। अन्यथा इसका एक दिन का तो आप व्रत कर ही सकते हैं। इस दिन जो है, जैसे मैंने आपको बोला, मंत्र कर सकते हैं। इस दिन इनके पूजन में विशेष करके जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है, चंद्र जो है भगवान शंकर के जटाओं में स्थित है, इसलिए लघु रुद्र, अति रुद्र, तीन रुद्री जो पाठ हैं, तीनों में से किसी को भी आप जाप कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं और अति रुद्र, लघु रुद्र इत्यादि कोई भी रुद्री पाठ आप कर सकते हैं। इस दिन भगवान शंकर को लगातार नॉन स्टॉप आप उनके लिए शिवलिंग का या अभिषेक कर सकते हैं। ये कहा जाता है महाशिवरात्रि जो है ये व्रत मनाया जाता है फागुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को।
इस व्रत को अर्धव्यापिनी चतुर्थी तिथि में ही करना बोला गया है और ये तिथि आधी रात्रि के आसपास हो तो अधिक योगकारक कहलाती है। फागुन मास की जो चतुर्दशी है इसी को महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। फागुन मास जो है 11 जो मास है वर्ष के जो हमारे संवत होते हैं उनमें 11वां मास गिना जाता है, तो इसलिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है 11वां मास। और इसकी चतुर्दशी जो है अमावस्या से पहले का एक दिन है, इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी शिव है और शिव की तिथि चतुर्दशी है। इस तिथि को रात्रि में व्रत करने के कारण इस व्रत का नाम शिवरात्रि होना माना गया है। चतुर्दशी में शिवरात्रि होती है और शिव भक्ति इस दिन व्रत करके कृष्ण चतुर्दशी का जो व्रत करते हैं उन्हें जो है कोटि कोटि फल मिलते हैं, जीवन की सुरक्षा मिलती है, दीर्घायु योग मिलता है। और ईशांत संहिता के अनुसार इस दिन जो है भगवान शंकर निराकार रूप से साकार रूप में लिंग के रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ था, इस कारण भी ये महाशिवरात्रि का ये व्रत माना जाता है। शिव पुराण की जो कोटि रुद्र संहिता है उसमें बताया गया कि शिवरात्रि में व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष यानी कि पूर्ण जीवन अर्थ कर्म काम धर्म मोक्ष इत्यादि भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहे उन्हें 4 व्रतों का नियम का हमेशा पालन करना चाहिए। ये व्रत है भगवान शंकर का पूजन, रुद्र मंत्रों का जाप, रुद्र मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमः भक्ते रुद्राय अथवा रुद्र के मंत्रों में महामृत्युंजय मंत्र आता है जैसे ओम जूं सह लघु मृत्युंजय मंत्र है, ओम हो ऊं जू सह ये भी है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक वंदनान मृत्युर्मुक्षे मामृता भूर्व ये भी है, फिर महामृत्युंजय मंत्र है ओम हो ऊं जू सह भूर्वा स्व त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक वंदनान मृत्युर्मुक्षे मामृता, इस मंत्र का जाप। शिव मंदिर में उपवास करना, विशेष करके सारी रात उपवास करना महाशिवरात्रि के दिन। और एक और कहा गया मोक्ष की प्राप्ति के लिए काशी में देह त्याग करना। शिव पुराण में मोक्ष के 4 सनातन मार्ग बताए गए हैं, इन चारों में महाशिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व है, इसलिए इसे अवश्य करना चाहिए। ये धर्म प्राप्ति के लिए एक उत्तम साधन है। रात्रि ही क्यों चुनी है ईश्वर ने महाशिवरात्रि के लिए, जबकि अन्य देवताओं का पूजन जो है दिन में हो सकता है। भगवान शंकर जो है संहार शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठात्रा हैं, अतः तमोमय रात्रि में उनका स्नेह यानी उनसे लगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी माया मोह से ऊपर है, संहार के देव हैं, तपो देव हैं, वो रात्रि संहार काल की ही प्रतिनिधि है और वो भी कृष्ण पक्ष की रात्रि में ही संहार काल ज्यादा होता है। और उसका आगमन होते ही सर्वप्रथम पूरा विश्व जो है उससे बिजली रोशनी चली आती है, अंधेरा हो जाता है, जितने जीव हैं उनका सबकी जो दिन की क्रियाकर्म है वो समाप्त हो जाते हैं, सभी चेष्टाओं का अंत हो जाता है, सब आराम करने चले जाते हैं और अंत में निद्रा द्वारा चेतना जो है आपकी समाप्त हो जाती है, पूरे सो जाते हैं इस दिन और संपूर्ण विश्व के संहारिणी रात्रि की गोद में संपूर्ण विश्व जो है चतुर्दशी में संहार की रात्रि में अचेत होकर सो जाता है। ऐसी दशा में प्राकृतिक दृष्टि से भगवान शिव का रात्रि इस रात्रि को पसंद करना अवश्य ही, क्योंकि वो जंगल में वास करने वाले ऐसी रात्रि उनको पसंद आएगी, इसलिए ये हो जाता है, इसलिए भगवान को ये रात्रि पसंद है। यही कारण है कि भगवान शंकर की आराधना ना केवल इस रात्रि में बल्कि इस रात्रि का आरंभ सायंकाल जिसे प्रदोष कहते हैं उस समय करने से और भी ज़्यादा फायदा हुआ करता है। शिवरात्रि कृष्ण पक्ष में क्यों होती है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्र प्रबल होता है, कृष्ण पक्ष में निर्बल होता है, उसकी वृद्धि के साथ साथ संतान के संपूर्ण रसवान पदार्थों में वृद्धि होती है जब वो प्रबल होता है, और जब वो क्षीण होने लगता है तो वो
धीरे धीरे वृद्धि कम होने लगती है, क्षय होने लगता है उसका, ये स्वाभाविक है। अतः चंद्र जो है घटते घटते अमावस्या को बिल्कुल क्षीण हो जाता है। चराचर जगत के मन के अधिष्ठात्रा उस चंद्र के क्षीण हो जाने से उसका प्रभाव अंड पिंडवाद के अनुसार, यानी कि पूरी दुनिया में जिस प्रकार भी जो भी जीवन के, जो भी जीवन के एक प्रकार से आप कह सकते हैं उदाहरण है, जीवन के जो दिखाने वाली वस्तु हैं, संपूर्ण भूमंडल के प्राणियों पर उसका प्रभाव पड़ता है और सारे वो चेतना शून्य होने लगते हैं। और साथ साथ ये जब रात्रि आने लगती है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, तो जीवों के अंतकरण में तामसी शक्तियाँ, तामसी भोग की शक्तियाँ, तामसिक शक्तियाँ वो जो हैं प्रबल होने लगती हैं, तामसिक शक्तियाँ प्रवृद्ध होने लगती हैं और नैतिक एवं सामाजिक अपराधों का कारण बनती हैं। और इन्हीं शक्तियों को आप आध्यात्मिक भाषा में या आध्यात्मिक रूप में या देवतुल्य भाषा में भूत प्रेत आदि इनको माना जाता है। दिन में यद्यपि भगवान सूर्य प्रबल है आत्मा के ग्रह, उनकी प्रबलता के कारण, आत्म तत्व की प्रबलता के कारण ये तामसी शक्तियाँ अपना विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाती हैं। ये इसीलिए भूत प्रेतों के भी देवता भगवान शंकर को माना गया है, इसलिए इस राशि में उनका प्रादुर्भाव जो है स्वाभाविक रूप से होने लगता है। और चंद्रवीन अंधकार रात्रि में आगमन के साथ ही भगवान शंकर की ये महाशिवरात्रि का आरंभ होता है, सारी रात पूजन के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। आप कुछ सारा दिन करना क्या है, आप जो है इस दिन आप अपनी पूजा विधि क्या है आपकी, और रात्रि जागरण किस लिए होता है? रात्रि जागरण इसलिए होता है कि उपवास द्वारा इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करने वाला संयम व्यक्ति ही रात्रि में जागकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो सकता है। अतः शिवोपासना के लिए उपवास एवं रात्रि जागरण के अतिरिक्त और कोई रात्रि उत्तम नहीं हुआ करती, इसलिए ये रात्रि प्रिय मानी जाती है। इस रात्रि में आप पूजन करके भगवान के किसी भी मंत्र का जाप करके भगवान शंकर से भेंट प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। और रात्रि के समय और मध्य रात्रि के समय ये अत्यधिक प्रबल समय हुआ करता है, जब भगवान शंकर के आप ध्यान में जा सकते हैं, ध्यान में जाकर उनके आप दर्शन कर सकते हैं। पूजा क्या करें, शिव पुराण के अनुसार व्यक्ति को, पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, प्रातःकाल ही उठकर स्नान संध्या इत्यादि कर्म से निवृत्त होकर मस्तक पर भस्म त्रिपुंड तिलक धारण करके, गले में रुद्राक्ष माला धारण कर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिपूर्वक पूजन और शिव को नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात उनका संकल्प लेके श्रद्धापूर्वक उनका संकल्प करना चाहिए और दिन भर जो है उनके मंत्रों का, शिव मंत्र का कोई भी पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमः भगवते रुद्राय या कोई भी जो है अतिरुद्र महारुद्र इत्यादि जो रुद्री पाठ है वो भी कर ले। जो लोग जनेऊ धारण करते हैं वो ओम नमः शिवाय में ओम लगा सकते हैं, जो नहीं धारण करते हैं वो सिर्फ नमः शिवाय, वो और स्त्रियां नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करें, ओम को लगाने से परहेज करें, प्रणव को नहीं लगाना चाहिए इस समय में। इस सारा दिन जाप करके चारों पहर का आपने संकल्प लिया और सारा दिन जाप करके सायंकाल स्नान करके किसी शिव मंदिर में जाकर अथवा घर पर ही, घर पर यदि कोई भी सिंह स्फटिक का हो, तांबे का हो, स्फटिक का हो, पारे का हो या चांदी इत्यादि का हो, सर्वश्रेष्ठ है नर्मदा का, नर्मदेश्वर यदि आपके पास शिवलिंग हो तो उसका जो है अपने सुविधा अनुसार पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख हो करके आप जो है तिलक एवं रुद्राक्ष धारण करके पूजा का संकल्प लेके मंत्रों का जाप करें। और यदि आपको ये संभव नहीं है तो किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा उसे बुलाकर उनसे पूजा आरंभ कराकर खुद जो है पंचाक्षर मंत्रों का जाप करें। व्रती को क्या पूजा सामग्री अपने पास रखनी चाहिए, जो मौसम है उसके अनुसार फल फूल हो, चंदन हो, बेलपत्र हो, धतूरा हो, धूप हो, दीप हो, नैवेद्य इत्यादि सब कुछ हो और चारों प्रहर ये पूजा करनी चाहिए। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अलग अलग तथा सबको एक साथ मिलाकर पंचाक्षर मंत्र से जो है भगवान शिव का आप जो अभिषेक करना चाहिए, शिवलिंग का स्नान करा के जलधारा करके अभिषेक करना चाहिए। और
पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करना चाहिए पूरा, और ओम नमः शिवाय मंत्र उनका सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, इससे जाप करना चाहिए। और भव सर्व रुद्र पशुपति उग्र महान भौम ईशा, इन आठ नामों से भगवान की जो है पुष्पांजलि अर्पित कर भगवान की आरती और परिक्रमा करनी चाहिए। क्या है आठ नाम? भव सर्व रुद्र पशुपति उग्र महान भीम और ईशान, इन आठ नामों से भगवान की नाम ध्यान करके पुष्पांजलि करते हुए भगवान की आरती करनी चाहिए। शिवलिंग जो है इसके ऊपर आप अपने प्रयोजन से विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन प्रेम संबंधों में यदि तनाव है तो महाशिवरात्रि के दिन आप शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। स्वास्थ्य हेतु आप दूध से अभिषेक करें। विवाह हेतु आप देसी घी से अभिषेक करें। अधिक भय आपको मृत्यु भय इत्यादि हो रहा है तो आप थोड़ी देर जो है दूध से अभिषेक करके फिर सरसों के तेल से अभिषेक करें, एक माला महामृत्युंजय, उसके बाद शिवलिंग की शुद्धि कर दें। और नौकरी के लिए, राजनीति के लिए, सफलता के लिए आप दूध में केसर मिला के उससे अभिषेक करें। अभिषेक कम से कम जो है 11 या 21 बार अवश्य करें। आज के दिन रुद्राक्ष धारण करना अत्यधिक शुभ रहा करता है। मेष लगन के लिए एक या तीन मुखी रुद्राक्ष, वृषभ के लिए दो या सात मुखी रुद्राक्ष, मिथुन के लिए, मिथुन लगन के लिए, कन्या के लिए, धनु के लिए और मीन के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष अथवा आठ मुखी रुद्राक्ष, कर्क लगन के लिए पंचमुखी या एकादश मुखी, सिंह लगन के लिए एकादश मुखी या नौ मुखी, कन्या लगन के लिए गौरी शंकर अथवा तीन मुखी, तुला के लिए 13 मुखी अथवा आठ मुखी, वृश्चिक लगन के लिए तीन मुखी अथवा एक मुखी, धनु लगन के लिए पांच मुखी, छह मुखी या 10 मुखी, मकर लगन के लिए आप चाहें तो 7 मुखी, 8 मुखी या 3 मुखी, कुंभ लगन के लिए 7 मुखी, 8 मुखी, 6 मुखी, मीन लगन के लिए 3 मुखी, 1 मुखी या द्वादश मुखी। इस प्रकार आप इस दिन ये रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करते हुए कम से कम एक माला जो है आप जाप करें, किसी मंत्र की ओम नमः शिवाय की कर लें, या आप जो है ये भगवान का ओम नमः भक्त रुद्राय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप जो है भगवान शिव का जो मंत्र है शिव गायत्री है उसका जाप कर सकते हैं। शिव गायत्री इस प्रकार है, ओम पंच वक्रतराय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, अथवा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, एक माला जाप करके रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इस वर्ष की महाशिवरात्रि में जो योग बन रहे हैं, गजकेसरी योग अथवा शश योग इत्यादि, ऐसे योग बार बार नहीं बना करते, इसलिए इस दिन रुद्राक्ष धारण करें, पूर्ण पूजा करें। धन्यवाद, नमस्कार।